एक्सरसाइज 56 का क्वेश्चन नंबर 11 है हम लोग के पास और इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या कह रहा है ये, रीता साइकल्स 8 किलोमीटर 250 मीटर एवरी डे। रीता रोजाना इतना साइकिल चलाती है। हाउ मच डिस्टेंस डज सी साइकिल इन 8 डेज, मतलब 8 दिनों में वो कितना दूरी तय करेगी, कितना दूर तक साइकिल वो चलाएगी। तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हम लोग को आंसर मिल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे जो चीज़ें दिया हुआ है आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, रीता साइकिल्स एवरी डे, रीता रोजाना कितना साइकिल चलाती है, इतना किलोमीटर हो गया, और डिस्टेंस इन 8 डेज, तो 8 दिनों में कितना दूरी तय करेगी। तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से पॉइंट देके किलोमीटर में लिख सकते हैं, और इसको 8 दिन है तो 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, जितना आएगा वो किलोमीटर में हम लोग को पता चल जाएगा। तो यहाँ पर किलोमीटर लिख देते हैं और यहाँ पर 8.2508 ये होगा मल्टीप्लाई। तो जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करने पर जीरो मिलता है और 5 8 40, फिर जीरो हो गया, 4 बच गया हाथ में, 8 2 16 और 4 20 हो गया, तो जीरो हो गया, और फिर 2 बच गया है, 8 8 64 और 2 66 हो गया, 66 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लगेगा। इसका मतलब है कि 66 किलोमीटर, इसका मतलब है 66 किलोमीटर, इसको हटा देंगे तो यही आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट पार्ट लेते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 56 का क्वेश्चन नंबर 12 है हम लोग के पास और इसमें क्या कह रहा है, ये स्कीपिंग रॉप इज इतना मीटर लॉन्ग, एक स्कीपिंग रॉप मतलब उछलने वाली रस्सी की लंबाई इतनी है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ सच 10 रॉप्स, तो फिर इसी प्रकार का 10 रस्सियों की लंबाई कितनी होगी। तो इसको जो है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 12 और वहाँ पे जो चीज़ें दिया हुआ है क्वेश्चन में हम उसको इस प्रकार से लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ ये स्कीपिंग रॉप इक्वल टू इतना मीटर, लेंथ ऑफ 10 स्कीपिंग रॉप्स, तो फिर 10 इस प्रकार के स्कीपिंग रॉप्स की लंबाई क्या होगा। तो इसको 10 से करेंगे मल्टीप्लाई तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा। तो सिंपली 10 से इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, जीरो वाला जो मल्टीप्लाई होता है, अगर हम 10 में कितना जीरो है, एक जीरो है, तो इसको पॉइंट को हम राइट साइड की ओर एक बार ले जाएंगे तो वही जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करते भी हैं तो वही आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इक्वल टू, देखिए 25.9 मीटर और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट पार्ट लेते हैं।